धौलपुर में तय तिथि से 6 दिन पहले ही बंद किए समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद के रजिस्ट्रेशन, टारगेट पूरा होना बताया जा रहा है कारण। यूं तो किसान की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का सरकारें खूब दावा करती हैं, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही है। ऐसा ही मामला आज शनिवार को उस समय देखने को मिला जब क्रय विक्रय धौलपुर में समर्थन मूल्य पर गेहूं बिक्री के लिए रजिस्ट्रेशन कराने पहुंचे किसानों को यह कहकर वापस भेज दिया गया कि अब टारगेट पूरा हो गया है और गेहूं की खरीद के लिए अब रजिस्ट्रेशन नहीं किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि राज्य सरकार के निर्देश पर समर्थन मूल्य 1975 रुपये के हिसाब से किसान के गेहूँ की खरीद 1 अप्रैल से 30 जून तक की जानी थी। किसानों को क्रय विक्रय से वापस भेजने के बाद जब हमने इस मामले की पड़ताल की तो पता चला कि समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद गुरुवार से ही बंद की जा चुकी है। क्रय विक्रय के अधिकारियों ने बताया कि गल्ला मंडी धौलपुर में राजपेट की तरफ से किसान के गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीद की जा रही थी, लेकिन 2 दिन पहले राजपेट के अधिकारियों का आदेश आ गया कि अब हमारा टारगेट पूरा हो चुका है, इसलिए अब समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करें, जिस कारण रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बंद कर दी गई है। क्रय विक्रय धौलपुर के कैशियर गोपाल ने बताया कि समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद सरकार के निर्देश पर राजपेट की ओर से की जा रही है, वहीं राजपेट के आदेश पर अब गेहूं की खरीद को बंद कर दिया गया है। हालांकि इसकी अंतिम तिथि 30 जून थी, लेकिन अब उनका टारगेट पूरा हो गया है, इसलिए वह गेहूं की खरीद नहीं कर रही है। आपको बता दें कि कोरोना काल में गेहूं की खरीद अघोषित तरीके से बंद थी, इस कारण गत कुछ दिन पहले ही दोबारा से गेहूं की खरीद का कार्य शुरू हुआ था और उसके 2 दिन बाद ही गेहूं खरीद का कार्य बंद कर दिया गया है, जिससे जिले के किसान परेशान हैं। सादिकपुर से आए किसान गोविंद ने बताया कि मैं अपना गेहूं समर्थन मूल्य पर बेचना चाहता हूं, जिसे लेकर आज क्रय विक्रय में रजिस्ट्रेशन कराने पहुंचा तो यह कहकर वापस भेज दिया, अब समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा टारगेट पूरा हो चुका है। पूरे मामले में अब देखना यह है कि किसानों के हित का दावा करने वाली सरकार और अधिकारी अब इस मामले में क्या एक्शन लेते हैं। मेरा नाम गोविंद सिंह, मैं ग्राम सादिकपुर से हूँ। क्रय विक्रय में गेहूँ बेचने के लिए आया था, वहाँ पर बोल दिया है कि हमारा टारगेट पूरा हो गया। जिले में कानून की जगह आतंक का राज, डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी। पूर्व मंत्री डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने सर्किट हाउस धौलपुर में ली भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक। प्रेस वार्ता में गहलोत सरकार को लिया आड़े हाथ। भारतीय जनता पार्टी धौलपुर की संगठनात्मक बैठक आज शनिवार को जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा की अध्यक्षता में सर्किट हाउस धौलपुर में आयोजित की गई। बैठक के मुख्य अतिथि भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी रहे। बैठक को संबोधित करते हुए चतुर्वेदी ने कहा कि संगठन में प्रवास बैठक और कार्यक्रम नियमित तौर पर होने चाहिए। जीवंत संगठन के लिए नियमित बैठक और प्रवास आवश्यक है। आने वाला समय संघर्ष का है, पंचायत के चुनाव आने वाले हैं, कार्यकर्ता पूरे मन से कार्य करें। बैठक के बाद पूर्व मंत्री डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैश्विक महामारी के समय 18 वर्ष की आयु से ऊपर के व्यक्ति को निःशुल्क वैक्सीन देने का कार्य किया है। कोरोना महामारी के समय राज्य सरकार राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है, फ्री वैक्सीन देने का काम केंद्र सरकार कर रही है, पर राज्य अपनी वाहवाही लूटना चाह रही है। कोरोना महामारी में नरेंद्र मोदी ने कुशलता से देश को संभाला है, वहीं राज्य सरकार प्रबंधन में पूरी तरह फैल रही है। राज्य में विधायक सरकार पर अनैतिक दबाव बनाकर निरंकुश हो रहे हैं। गहलोत सरकार पर निर्दलीय विधायक और भाजपा से आए विधायक अपनी मांगे मनवाने में लगे रहते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य का प्रत्येक विधायक अपने अपने क्षेत्र में मुख्यमंत्री की भांति व्यवहार कर रहा है। धौलपुर जिले में भी कानून व्यवस्था पूरी तरह से खराब हो चुकी है। जनता जिस प्रकार अंग्रेजों के समय लुप्त होते थे, उसी प्रकार आज धौलपुर की स्थिति हो गई है। अभी तक अपराधियों पर निष्पक्ष और ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि पूरे जिले में जनप्रतिनिधि सहित संगठन के प्रमुख लोग आगामी 1 जुलाई को ज्ञापन देंगे। यदि फिर भी व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो 7 दिन बाद रणनीति तैयार कर बाड़ी उपखंड मुख्यालय पर कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए धरना दिया जाएगा। इसके बाद भी कार्यप्रणाली में बदलाव नहीं आया तो आंदोलन को और तेज गति दी जाएगी।
बैठक के दौरान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी के साथ जिला प्रभारी पूर्व मंत्री जवाहर सिंह बेड़म, जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा, विधायक सोवारानी कुशवा, पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर, वरिष्ठ नेता अशोक शर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष पंडित किशन चंद शर्मा, पूर्व विधायक व जिला महामंत्री सुखराम कोहली, जिला महामंत्री सतेंद्र पारासर, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विशंबर शर्मा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य उपेंद्र कुशवा, जितेंद्र राजौरिया, युवा मोर्चा अध्यक्ष भूपेंद्र गुरैया, हरिंदर राव, नेता प्रतिपक्ष कुक्कू शर्मा, विनय परमार, शिवम राजावत, मुकेश सक्सेना, अमन गोयल, राहुल जाट, रामकिशोर शर्मा, धीर सिंह जादौन, रामपीत शर्मा मरैना सहित सभी मंडल अध्यक्ष, महामंत्री एवं जिला पदाधिकारी सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। रेवाड़ी में काम करने गए इकलौते बेटे की मौत से मचा कोहराम। धौलपुर जिले के पैकरी गांव का है निवासी। धौलपुर जिले के कोलारी थाना इलाके के पैकरी गांव का एक युवक रेवाड़ी हरियाणा में प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने गया था, जहां कल शुक्रवार को बिजली करंट से उसकी मृत्यु हुई, जिसके बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी होने के बाद आज शनिवार को उसका शव उसके मूल गांव पैकरी पहुंचा तो परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक युवक अपनी तीन बहनों के बीच इकलौता भाई था। कोलारी निवासी मृतक के चाचा छोटू ने बताया कि करीब 18 वर्षीय बबलू पुत्र रामबाबू लोधा निवासी पैकरी कोलारी धौलपुर रेवाड़ी हरियाणा में एक प्राइवेट कंपनी में खाना बनाने का कार्य करता था, जहां कल बिजली के करंट से उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद आज उसका शव गांव लाया गया, जहां अंतिम संस्कार किया गया। मृतक बबलू अपने पिता रामबाबू का इकलौता पुत्र था। वह तीन बहनों के बीच इकलौता भाई था। इसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, वहीं गांव में शोक की लहर है। सरकार बनाम पटवार के बीच में पिस रहा काश्तकार। धौलपुर जिले के 202 पटवार मंडलों में से 88 पटवार मंडलों का 5 महीने से जारी है कार्य बहिष्कार। राजस्थान पटवार संघ के प्रदेश भर में 15 जनवरी 2021 से अतिरिक्त पटवार मंडलों का संपूर्ण कार्य बहिष्कार कर रखा है। 5 माह से अधिक समय गुजर जाने पर भी सरकार द्वारा पटवारियों के साथ वार्ता कर हड़ताल खत्म करने की कोशिश नहीं की गई है, जिस कारण आमजन अपने कार्यों को लेकर पटवारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन पटवारी कार्य नहीं कर रहे हैं। विद्यार्थियों से लेकर आम किसान तक सभी परेशान हैं। पटवारियों की हड़ताल के चलते किसानों के केसीसी कार्ड, पेंशन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सत्यापन, विद्यार्थियों के जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास व EWS प्रमाण पत्र, राजस्व रिकॉर्ड की नकल, नामांतरण, खसरा गिरदावरी नहीं होने से उनकी फसलों का लेबी में विक्रय, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आदि बहुत से कार्य नहीं हो रहे हैं। हड़ताल के चलते धौलपुर जिले के 88 पटवार मंडलों पर ताला लटका होने से सीधा खामियाजा आमजन और काश्तकारों को उठाना पड़ रहा है। राजस्थान पटवार संघ के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर 15 जनवरी 2021 से संपूर्ण प्रदेश भर में जो अतिरिक्त पटवार मंडल थे उनका संपूर्ण कार्य बहिष्कार जारी है, और 15 फरवरी को जब एक महीना व्यतीत होने के बाद सरकार के कानों में जूं तक नहीं रहेंगी तो पटवारियों में इतना रोष हो गया कि प्रदेश भर के सभी 8000 पटवारी जयपुर एकत्रित हो गए। उसी दिन से अपना धरना प्रदर्शन शहीद स्मारक पर चलता रहा, लेकिन पटवारियों ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए मानवता के नाते जब कोरोना जैसी महामारी का प्रकोप बढ़ा तो उन्होंने अपने धरने को समाज हित में, किसान हित में एवं संवेदन न रखते हुए अपने धरने को स्थगित कर दिया। लेकिन सरकार ने आज तक पटवारियों की जो उचित मांगे हैं, जिसमें अपना ग्रेड पे 3600 करते हुए L10 श्रेणी में पटवारी का वेतनमान रखा जाए, दूसरा अपना चयनित वेतनमान है जो 9, 18, 27 वर्ष पर मिलता था वो उसको 8, 16, 24 वर्ष पर जो सिलेक्शन ग्रेड होती है पदोन्नति पद पर जो वेतनमान दिया जाता है वो दिया जाए।
ये प्रमुख मांगे हैं, लेकिन सरकार से कई बार वार्ता होने के बावजूद सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है। मैं इस न्यूज चैनल के माध्यम से सरकार को ये अपना संदेश, राजस्थान पटवार संघ का संदेश प्रेषित करना चाहता हूँ कि जब तक पटवारी का जो मांग पत्र है उसमें जो लिखी हुई मांगे हैं वो पूर्ण नहीं होंगी, पटवारी बिल्कुल इस आंदोलन को वापस नहीं लेगा। 27 जून को वैक्सीनेशन महाअभियान, धौलपुर शहर में 25 केंद्रों पर लगवा सकेंगे कोरोना टीका। धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल के दिशा निर्देशानुसार धौलपुर शहरी क्षेत्र में 27 जून को वैक्सीनेशन महाअभियान के तौर पर 25 केंद्रों पर वैक्सीनेशन कराया जाएगा। जिला कलेक्टर ने समस्त वार्ड पार्षद बंधुओं से आग्रह किया है कि अपने वार्ड में नजदीकी केंद्र पर वैक्सीन लगवाने के लिए प्रचार प्रसार करें एवं अधिक से अधिक संख्या में वैक्सीनेशन कराकर अभियान को सफल बनाएं। कोरोना से मुक्ति पाने के वैक्सीनेशन अभियान में भागीदारी सुनिश्चित कर अपना योगदान दें। इन केंद्रों पर लगवा सकेंगे कोरोना का टीका। धौलपुर शहर के पंचमुखी हनुमान गडरपुरा, राजा बेटी हॉस्पिटल, त्यागी हॉस्पिटल ओडेला रोड, बड़ा पीर मदरसा, भार्गव वाटिका मदरसा जगन चौराहा, चंदन विला मैरिज हॉल, गर्ल्स स्कूल राधा बिहारी, न्यू MTC, गांधी कन्या बिरजापाड़ा, ओडेला PSC, पुलिस लाइन, छठी बटालियन RAC, वन स्थली विद्यालय, विद्यालय जोर, काष्टपाड़ा विद्यालय, ऊँचे हाथ वाले बाबा गुजर कॉलोनी, ईदगाह OBC हॉस्टल हाउसिंग बोर्ड, PS 16 खंबा, प्रज्ञापीठ उम्मेदी नगर, सन्नू खा का मकान निजाम कॉलोनी, माथुर बैस सेवा सदन, संस्कृत विद्यालय जाटव बस्ती पुराना शहर, कोली धर्मशाला भामतीपुरा, काव्या विद्यालय हुंडावाल रोड पर वैक्सीन लगवा सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान के लिए कोरोना कंट्रोल रूम महाराणा स्कूल धौलपुर में बनाया गया है। वन टच कार वाइक शैम्पू से अब अपने वाहनों की धुलाई कीजिए और निरंतर वाहन की चमक को बनाए रखिए, वो भी आपके बजट में। साथ ही हमारे अन्य उत्पाद वन टच हैंड वॉश, फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, ग्लास क्लीनर एवं धूप बत्ती भी उपलब्ध है। आज ही घर पर प्राप्त करने के लिए हमारे कस्टमर केयर नंबर 8279-27-1243 पर कॉल या व्हाट्सएप के जरिए प्रोडक्ट मंगवाएं। ऑर्डर के दूसरे दिन प्रोडक्ट आपके घर उपलब्ध हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटरशिप और डीलरशिप के लिए भी संपर्क करें। पता आगरा जगनेर मार्ग, नगला कमाल, खीरागढ़, आगरा। गर्मियों के कपड़ों का स्पेशल और नया कलेक्शन खरीदिए ऑफर में। ब्लैकबेरी, एनएल सोली, पीटर इंग्लैंड, प्यूमा आदि ब्रांडेड कंपनियों की टी शर्ट, जीन्स शर्ट आदि उचित दाम पर उपलब्ध हैं। अलग अलग कंपनियों के कपड़ों पर अलग अलग प्रतिशत में छूट ऑफर। इसके अलावा बच्चों के कपड़े, फ्रॉक, नेकर, टी शर्ट, पार्टी वियर कपड़े भी उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर शोरूम विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, कोठी धौलपुर। अवैध हथियार व कारतूस सहित दो बदमाश गिरफ्तार। कंचनपुर थाना पुलिस व DST टीम ने अतराज का पुरा गांव के पास की कार्रवाई। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने आज शनिवार को मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए DST टीम के सहयोग से दो सातिर बदमाशों को अवैध हथियार सहित गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से एक पचपैरा और एक बंदूक के साथ 5 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। दोनों आरोपी किसी संगीन वारदात की फिराक में थे, ऐसे में उनसे पूछताछ की जा रही है। कंचनपुर थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि आरोपी गजेंद्र पुत्र शिवचरण गुर्जर और अनेक गुर्जर पुत्र केदार सिंह थाना क्षेत्र के डांडे का पुरा के निवासी हैं, जो कि किसी वारदात की फिराक में थाना क्षेत्र के हनुमान मंदिर के पास अतिराजपुरा मोड़ पर देखे गए, जिन्हें यहाँ से मुखबिर की सूचना पर DST टीम के सहयोग से गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से एक अवैध पचपैरा, एक अवैध हथकड़ बंदूक 315 बोर, 5 जिंदा कारतूस और 3 खाली कारतूस जब्त किए गए हैं। साथ ही इनके खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय की DST और QRT टीम की संयुक्त कार्रवाई में QRT टीम के कांस्टेबलों की सूचना विशेष पर आज अतिराजपुरा के अनेक के अड्डे से दो मुलजिमों को दौराने नाकाबंदी
एक पचपेरा 315 बोल्ट और 5 जिंदा कारतूस एवं एक हथकड़ 315 बोल्ट एवं 3 खाली केस के साथ गिरफ्तार करने में सफलता अर्जित की है, जिसमें मुलजिम गजेंद्र सिंह सनौफ केदार सिंह गुजर निवासी गाड़ी का पुरा उम्र करीब 22 साल थाना कंचनपुर को, जिसके कब्जे से एक अवैध हथकड़ 315 वो और 2 जिंदा कारतूस एवं 2 खाली केस बरामद किए हैं। इसी प्रकार मुलजिम अनेक पुत्र शिवचरण गुजर उम्र करीब 50 साल निवासी अनेक का अड्डा अतराजपुरा को एक पचपेरा 315 वो और 3 जिंदा कारतूस एवं 1 खाली केस कारतूस के साथ गिरफ्तार करने में सफलता अर्जित की है। मुलजिम के खिलाफ 3/25 शाम क्षेत्र में मुकदमा दर्ज कर हथियारों की खरीद फरोख्त के बारे में अनुसंधान किया जा रहा है। सेवा दिवस के रूप में मनाई लोपेन के संस्थापक डॉक्टर देशबंधु गुप्ता की पुण्यतिथि, 101 परिवारों को राशन वितरण कर मनरेगा मजदूरों का किया सम्मान। विश्व स्तरीय उद्यमी और बहुराष्ट्रीय कंपनी लोपेन लिमिटेड के संस्थापक डॉक्टर देशबंधु गुप्ता की 4थी पुण्यतिथि पूरे धौलपुर जिले में सेवा दिवस के रूप में मनाकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर धौलपुर जिले की सैपऊ ब्लॉक की कैथरी तसीमों और सैपऊ ग्राम पंचायतों में सेवा दिवस के रूप में कटोरी अभियान के तहत 83 परिवारों को राशन वितरित किया गया। बाड़ी की बिजौली ग्राम पंचायत में 16 मनरेगा मजदूरों का सम्मान और फल वितरित किया गया। इसके लिए पुरुषों को अंग वस्त्र और महिलाओं को धूप से बचाव के लिए स्टॉल वितरित की गई। रायाखेड़ा की मरेना ग्राम पंचायत में 10 दिवसीय स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई। लोपिन फाउंडेशन के धौलपुर इंचार्ज सुबोध गुप्ता ने बताया कि अलवर जिले के राजगढ़ के रहने वाले डॉक्टर देशबंधु गुप्ता की सोच विचार एवं कार्यशैली हमेशा राष्ट्र व समाज के प्रति सोच, लोगों के जीवन स्तर में सुधार, जरूरतमंदों की मदद और ग्रामीण विकास की रही। उनके पूरे जीवन पर गांधी जी के जीवन का प्रभाव रहा। उन्होंने 1968 में पत्नी के गहने गिरवी रखकर कंपनी की स्थापना की और अपने परिश्रम, सोच और कार्यकुशलता से दवा क्षेत्र में भारत की विश्व स्तरीय पर पहचान बनी। डॉक्टर गुप्ता ने दवा कंपनी के अलावा साल 1988 में लोपिन ह्यूमन वेलफेयर एंड रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की, जो अब देश में 9 राज्यों में ग्रामीण विकास एवं आमजन की मदद सहित अनेक प्रकार के उल्लेखनीय कार्य कर रही है। देश के 4000 से अधिक गांव में सामाजिक कार्यों और आम लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के कार्य में अग्रसर है। इस मौके पर मंजरी फाउंडेशन के चेयरमैन संजय शर्मा, कटोरी अभियान के प्रभारी विनोद राजपूत, अच्छे दीक्षित उपस्थित रहे। आज लुपिन फार्मास्यूटिकल्स के जो फाउंडर हैं श्री देशबंधु गुप्ता जी, उनकी 4थी पुण्यतिथि है और जिसके उपलक्ष्य में न केवल धौलपुर भरतपुर बल्कि पूरे देश में इस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं कि गरीबों को राशन वितरण किया जा रहा है, सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया जा रहा है। क्योंकि लुपिन फार्मास्यूटिकल्स के संस्थापक थे देशबंधु गुप्ता जी, उनका एक ही सपना था कि गाँव के हर वंचित वर्ग तक, हर गरीब तक सुविधाएं पहुंचे और उनके जीवन स्तर में सुधार हो। इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज सारे कार्यक्रम धौलपुर जिले में आयोजित किए गए हैं, जहाँ सुबह से लगभग 100 परिवारों को हमने राशन वितरण किया है, जिसमें 30 परिवार बैंडबाजी वाले हैं जो कि लॉकडाउन की वजह से सफर कर रहे थे, कुछ अति जरूरतमंद गरीब परिवार हैं और कुछ विधवाएं हैं जिन्होंने अपने को कोरोना में खो दिया है। लुपिन मंजरी फाउंडेशन ने तकरीबन 150 परिवारों को ऐसा राशन वितरण कर बहुत प्रतिया कार्य किया है, जिनके माँ बाप खत्म हो गए, उनकी सब व्यवस्थाएं लॉकडाउन की वजह से खत्म हो चुके, धंधे पानी इसी स्तर पर आगे गए, मोहताज दो व्यक्तियाँ खाना खाने के लिए मोहताज थे, लेकिन आज उन्होंने ये राशन वितरण करके सामग्री उनका 1-15 दिन का गुजारा हो जाएगा। उन्हें बहुत मदद की, इसके लिए दोनों फाउंडेशन को, लुपिन मंजरी को मैं 6 दिल और पूरी ग्राम पंचायत की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद। भाजपा के पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी का सरमथुरा में किया गया स्वागत। पूर्व प्रधान स्वर्गीय ब्रजकिशोर हरदेनिया के घर पहुंचकर की शोक संवेदनाएं व्यक्त। राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी शनिवार को सरमथुरा क्षेत्र के दौरे पर रहे। सरमथुरा आगमन पर पूर्व मंत्री चतुर्वेदी का भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। इस दौरान पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने प्रेस वार्ता में राजस्थान सरकार पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि राजस्थान में कांग्रेस द्वारा सत्ता का जमकर दुरुपयोग किया जा रहा है।
धौलपुर जिले में राजनीतिक संरक्षण की वजह से बजरी माफिया खुले में घूम रहे हैं और राजस्थान में राजनीतिक दबाव के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं पर जगह जगह हमले और मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान की सरकार नहीं, जंगल राज चल रहा है। पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने पूर्व प्रधान ब्रजकिशोर हरदैनिया के निधन पर उनके निवास पर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की और शोक संवेदना व्यक्त की। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रेम नारायण सोनी, एसटी जिलाध्यक्ष बहादुर सिंह, शिवम खेमरिया, विपुल राज पुरोहित, भोला सिंह सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। अभी तो पार्टी के जितने भी हमारे संगठन जिलों की बैठकें ले रही हैं, इसके निमित्त मैं कल सुबह मधुपुर करौली होता हुआ धौलपुर पहुंचा। धौलपुर के जिस प्रकार की राजनीतिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति और संगठनात्मक, इस सब का आकलन करेंगे। मैं इतना ही कह सकता हूं कि राजस्थान में वैसे तो सत्ता का दुरुपयोग और थाने चौकी पूरी तरह से नीलाम होने की स्थिति है और उसका अद्वितीय उदाहरण कहीं देखना हो तो धौलपुर जिला है। वजी माफिया खुले में घूम रहे हैं राजनीतिक संरक्षण के आधार पर, न कलेक्टर को देखते हैं, न एसपी को देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर राजनीतिक दबाव के आधार पर जगह जगह मुकदमे, हमले, इस तरह की कार्रवाई हो रही है। राजस्थान में सरकार नहीं बल्कि जंगल राज चल रहा है और लूट खसोट की सरकार पूरी तरह चल रही है। पूर्व मंत्री ने बाड़ी में किए भगवान श्री राम के मंदिर के दर्शन, भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री रहे अरुण चतुर्वेदी आज शनिवार को करौली के रास्ते से होकर धौलपुर पहुंचे, जहां सबसे पहले सरमथुरा कस्बे में उनका स्वागत हुआ। उन्होंने भाजपा पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके बाद बाड़ी होकर अरुण चतुर्वेदी धौलपुर पहुंचे। बाड़ी में बामनी नदी आश्रम पर अरुण चतुर्वेदी का भाजपा जिलाध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा एवं पूर्व भाजमियों धौलपुर के जिलाध्यक्ष अजय सिंह परमार के साथ अन्य पदाधिकारियों ने स्वागत किया और भगवान राम के मंदिर में दर्शन कराए। इसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए चतुर्वेदी ने प्रदेश की गहलोत सरकार एवं कोरोना काल में राजनीति का आरोप लगाया और भाजपा की सामाजिक सेवा करने और लोगों तक मदद पहुँचाने की बात कही। उन्होंने कहा कि हमें बूथ लेवल तक कार्यकर्ता बने, इसके लिए प्रयास करने हैं। उन्होंने कहा कि धौलपुर में संगठन अभी मजबूत स्थिति में नहीं है, जिस पर विशेष फोकस करना होगा। कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है कार्यकर्ता आधारित दल, और इस कार्यकर्ता आधारित दल में हमारी एक संरचना है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिले अध्यक्ष, ये जो संरचना है, इस संरचना के आधार पर जो भी पार्टी के कार्यक्रम से होते हैं, हम सब मिलजुल करके उस काम को पूरा करते हैं। अभी हाल में कोरोना के समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आह्वान किया, सेवा ही संगठन, एक राजनीतिक दल ने सामाजिक संगठन और सेवा के अद्वितीय उदाहरण खड़े हुए। जहाँ सरकार राजस्थान की केवल राजनीति कर रही थी, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने स्वयं की स्थिति में और समाज को साथ लेकर के आम आदमी की सेवा के एक बड़े बड़े आयाम खड़े किए। चंदन विला होटल में लगा कोरोना वैक्सीनेशन शिविर, 140 लोगों ने लगवाई वैक्सीन। चंदनविला होटल धौलपुर में आज शनिवार को नरेंद्र शर्मा राजा की स्मृति में भारत विकास परिषद शाखा धौलपुर एवं चिकित्सा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में कोरोना वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन कराया गया, जिसमें 140 लोगों के टीकाकरण किया गया। इस अवसर पर शाखा के अध्यक्ष जयंत मोदी ने बताया कि इस वैश्विक महामारी में टीकाकरण एवं बचाव ही कोरोना का एकमात्र इलाज है। इसमें आगे बढ़कर सभी को प्रोत्साहित करना होगा, जिससे अधिक नागरिकों को इसका लाभ मिल सके। इस दौरान भारत विकास परिषद के सदस्यों द्वारा गली मोहल्ले में जाकर टीका लगवाने के लिए आह्वान किया गया। सचिव विजय सिंह राणा ने कहा कि यदि भारत विकास परिषद की तरह ही सभी सामाजिक संगठन आगे आ जाएं, तो हम जल्द से जल्द इस भयानक बीमारी को देश से भगाने में कामयाब होंगे। यह शिविर कल रविवार को भी चंदन बिला में जारी रहेगा, जिसमें वैक्सीन की पहली व दूसरी डोज लगाई जाएगी। इस दौरान प्रणब मुखर्जी, राकेश गर्ग, गोविंद गर्ग, हेमेंद्र बंगल, डॉक्टर आकाश अग्रवाल, राजीव झा, के बंसल तथा नरेंद्र शर्मा के परिवार के सदस्यों सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। धौलपुर जिले में पहली बार अब एक ही छत के नीचे देश की तीन बड़ी नामी व विश्वसनीय कंपनियों सिंपोलो, बनबोरा व जॉनसन की टाइल्स उपलब्ध। टाइल्स की हर रेंज और हर तरह की टाइल्स मौजूद। एक बार शोरूम पर आओगे तो टाइल्स पसंद कर जरूर ले जाओगे। सभी तरह का सैनिटरी सामान भी उपलब्ध। कोरोना गाइडलाइन, लॉकडाउन व अन्य विशेष परिस्थितियों में
व्हाट्सएप पर टाइल्स की कैटलॉग प्राप्त करें और टाइल्स पसंद करने के बाद होम डिलीवरी पाएं। एक से एक सुंदर व टिकाऊ एवं मनपसंद टाइल्स आपको उचित कीमत पर मिलेगी। एक बार जरूर पधारें। जय दुर्गे इंटरप्राइजेज, आनंद नगर, शैपुर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9950518818। प्रोपराइटर कृष्णवीर सिंह उर्फ कल्ला परमार, ममोधन वाले। द राइट प्लेटफॉर्म फॉर योर चाइल्ड, AVM कॉन्वेंट स्कूल। आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य व सर्वांगीण विकास के लिए सुनहरी चाबी है, जो आपके बच्चों के लिए सफलता के द्वार खोलती है। सभी सुविधाओं से परिपूर्ण AVM कॉन्वेंट स्कूल, जहां ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास, कंप्यूटर लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब, कैंप्स, बच्चों को लाने ले जाने की सुविधा, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। जी हाँ, हर बात में बेहतर आपका अपना स्कूल AVM कॉन्वेंट स्कूल, घंटाघर रोड, धौलपुर, राजस्थान। एडमिशन ओपन नर्सरी से कक्षा 12 तक। निशुल्क चिकित्सा शिविर में 200 मरीजों को मिला उपचार। सैफव उपखंड के बसई नवाब के जागीरपुरा रोड स्थित प्रधान गार्डन में समाजसेवी पूर्व प्रधान रामवेद कुशवाहा के सहयोग से निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान जयपुर के SMS हॉस्पिटल के गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर रामकेश सिंह परमार ने टीम के साथ पहुंचकर अपनी सेवा दी, जिसमें डॉक्टर रामकेश की ओर से मरीजों को विधिवत जाँच कर उनको उचित परामर्श दिया गया, जिसमें शुगर, रक्तचाप, थायराइड के अलावा अन्य बीमारियों से ग्रसित करीब 200 मरीजों ने शिविर का लाभ उठाया। इस दौरान चिकित्सा टीम एवं समाजसेवी दीनानाथ दुबे सहित पूर्व प्रधान रामहित कुशवाहा व उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा चिकित्सा टीम का साफा व माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर पूर्व प्रधान रामहित कुशवाहा सहित शिक्षक दीनानाथ दुबे, गोरेलाल कुशवाहा धौलपुर, मुरारी लाल कुशवाहा, पूर्व सरपंच दूबरा ठाकुरदास कुशवाहा, हरिओम कुशवाहा, पवन व्यास, मयंक गहलोत, सरपंच राजाराम कुशवाहा, सरपंच देवी सिंह कुशवाहा, राम फूल, डॉक्टर विश्वास, राजेंद्र सिंह सहित डॉक्टर की टीम में आए अमित सेन, लोकेश, सोहर लाल, मुकेश आदि मौजूद रहे। बसई नवाब कस्बे के अंदर विशाल निःशुल्क चिकित्सा परामर्श जाँच शिविर का आयोजन डॉक्टर रामकेश सिंह परमार और उनकी टीम के द्वारा किया जा रहा है। इसके अंदर लगभग 100 से अधिक मरीज इस चिकित्सा शिविर का लाभ ले चुके हैं और काफ़ी अधिक संख्या के अंदर लोग बाहर बैठे हैं। इस शिविर के अंदर आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, इस तरह के शिविरों से आमजन को बहुत अधिक लाभ मिलता है और बेसिक जो समस्याएँ आज इस समाज के अंदर बहुत कॉमन है, चाहे बात करें हृदय रोग की, डायबिटीज, थायरॉयड, ब्लड प्रेशर, एलर्जी, अस्थमा, ओबेसिटी, जॉइंट पेन, इस तरह की समस्याएँ आज हमारी सोसाइटी को जकड़ रही हैं, उनको लेकर के हम अपनी टीम के साथ काम कर रहे हैं और हम इस तरह के शिविरों के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं कि आमजन तक पहुंचकर उसकी समस्याओं का समाधान करें। वसीडी पुलिस ने जुआ खेलते हुए 11 जने किए गिरफ्तार। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में वसीडी पुलिस ने जुआ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें 11 जुआरियों को गिरफ्तार कर 11,350 रुपए की राशि बरामद की है, जिससे जुआरियों में हड़कंप मच गया। थाना प्रभारी लाखन सिंह ने बताया कि वसीडी थाना क्षेत्र के गांव एकटा के जंगलों में जुआ खेलते 3 जने श्याम सुंदर, जितेंद्र व विष्णु को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 1,070 रुपये बरामद किए हैं। इसी प्रकार वसीडी के तिवारी थोक के समीप से 2 जने राकेश व दुर्गेश को 2,720 रुपये की राशि के साथ गिरफ्तार किया है। हरिचंदपुरा के बियड़ों से 4 जने गंगाराम, कुलदीप, सोरन व बिमल को 5,130 रुपये के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं वसीडी के बयाना मोड़ के समीप से 2 जने भूपेंद्र व शिवदत्त को 2,430 रुपये की राशि के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। केशव सक्सेना बने भारत तिब्बत समन्वय संघ के धौलपुर जिलाध्यक्ष। भारत तिब्बत समन्वय संघ के राष्ट्रीय महामंत्री सौरभ सारस्वत के निर्देशानुसार एवं क्षेत्रीय संयोजक OP त्रिपाठी के मार्गदर्शन में और अध्यक्ष कमलेश टांक की अनुमति से प्रांत महामंत्री दुष्यंत शर्मा ने आज शनिवार को भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष केशव सक्सेना को धौलपुर जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है।
जिलाध्यक्ष के रूप में केशव सक्सेना की नियुक्ति पर राहुल लवानिया, अक्षत शुक्ला, सुरेश श्रीवास्तव एडवोकेट, मदन गुदेनिया, अमित मुदगल, राम शर्मा, राहुल तिवारी, जयप्रकाश मुखरैया, विनय जैन, जया मोदी, रीमा अग्रवाल, विजयपाल सिंह परिहार, जयंत मोदी, विप्र संजीव शर्मा, संजीव श्रीवास्तव आदि ने हर्ष व्यक्त किया है। धौलपुर जिले की दिनभर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब